भयंकर गर्मी में कार में घूम रहे हो और आपका एसी बंद हो जाए, और आपको कार में टीवी चलाने का मन कर जाए, या फिर कभी कार में ही लस्सी बनाने का मन कर जाए, भूख लगे तो मैगी भी बनाने का मन कर जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? क्या आप लोग होटल में जाएंगे? भाई अगर होटल ही ना मिले आसपास तो मैं आपको बताता हूँ एक गजब का जुगाड़ इस वीडियो में, जो कि आपको जान के बहुत मजा आएगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग कार में इस छोटे से जुगाड़ का यूज करके वो सारी इलेक्ट्रिक चीजें चलाने की कोशिश करेंगे जो कि चलती है घर के नॉर्मल 220 वोल्ट एसी से, लेकिन हम लोग चलाएंगे कार में। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। हम लोग मिक्सी पंखा वगैरह सब कुछ चलाएंगे अपने जुगाड़ का यूज करके। और भाई अगर हमारा आज का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता तो भाई ये बहुत काम आएगा किसी ना किसी के कभी इमरजेंसी में या फिर जरूरत पड़ने पर, कि हम लोग कार में ही वो चीज़ें चला पा रहे हैं जो किसी बिजली से चलती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे इस वाले जुगाड़ से? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल है एक जुगाड़ से जो कि मैंने अमेजोन से खरीदा है, जो कि है ये 220 वॉट का कार इन्वर्टर। इसमें हमें 200 वॉट मिल जाते हैं और 4 USB पॉइंट मिल जाते हैं, जिसमें 2 फास्ट चार्जिंग वाले हैं, 2 नॉर्मल वाले हैं। तो इसी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाएंगे कार में और देखेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। वैसे इसका मेन पर्पस है इमरजेंसी पड़ने पर कार के अंदर लैपटॉप चार्ज कर लेना, मोबाइल चार्ज कर लेना, लेकिन नहीं, हम लोग वो सब चीज़ें थोड़ी ना करेंगे। हम लोग करेंगे वो सारी चीज़ें जो कि इसके मैन्युफैक्चरर ने सोची ना होगी। चलाएंगे टीवी, मिक्सी, बल्ब कार के अंदर, देखते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जो यहाँ पे कार में लाइट लगी होती है ये बहुत धीमी है और आपको थोड़ी तेज़ रोशनी चाहिए, है ना? मेरे को भी इस टाइम पे लग रहा है कि थोड़ा तेज़ रोशनी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे के पूरे 4 CFL 40 वाट के, और वो रहा हमारा जुगाड़। और यहाँ पे मैंने लगाया इस पर प्लग, और यहाँ पे हमारी कार में हो गई अच्छी खासी रोशनी, एकदम जगमगा रही है कार। ओफो भाई, ये देखो हमारे CFL क्या मस्त तरीके से जल रहे हैं। और रात को जंगल में हूँ आप, अगर आपको रोशनी का काम हो तो आप कितनी मस्त तरीके से रोशनी कर सकते हैं, ये देखो भाई। एक और मस्त चीज़ यहाँ पे मेरे पास है, बिजली वाली रिंग लाइट, और अभी कमाल देखो, ये उधर देखो, ये सब हम लोग कर पा रहे हैं अपने इसी जुगाड़ की मदद से, पूरी कार पे रोशनी हो गई। तो भाई इस तरीके से जुगाड़ का यूज करके हम लोग अंधेरे में भी कार की मदद से काफी ज्यादा रोशनी कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है यार, ये गाड़ी के पंखे भी काम नहीं कर रहे, एसी तो खराब है ही। पसीना देखो, क्या करें क्या ना करें, घर का पंखा उठा के कार में जला लेते हैं। लाओ घर का पंखा, ये वाला हम लोग चलाएंगे कार में, ये वाला पंखा, फूसा फैन, कैसे वो तो आपको पता ही है। कार में मोबाइल फास्ट चार्ज करना है, और इनसे तो होगा नहीं चार्ज, इतने महंगे ले लो होंगे ये स्लो ही चार्ज। तो इसका क्या उपाय है, डायरेक्ट अपना चार्जर ही यूज कर लो इस जुगाड़ से। 60 वाट का हो, 30 वाट का हो, 120 वाट का हो, आपका मोबाइल गमागम फुल चार्ज हो जाएगा फास्ट चार्जिंग के साथ। लंबे सफर के दौरान कार के अंदर जूस या लस्सी पीने का मन कर जाए, और आसपास कोई जूस की दुकान ना हो, कोई लस्सी की दुकान ना हो, तो क्या करेंगे, ढूंढेंगे? जी नहीं, हम लोग अपनी लस्सी कार में खुद बनाएंगे इस मिक्सी का यूज़ करके। और जुगाड़ तो आपको पता ही होगा, हम लोग इसमें कनेक्ट कर देंगे अपनी मिक्सी। तो कार में बनेगी लस्सी, ठीक है? ये देखो, कोई चीटिंग नहीं, सिर्फ कार से कनेक्ट है कैट हमारी मिक्सी, 200 वाट की है, ये अच्छी बात है। 3, 2, 1
हमने कार में मिक्सी चलाई, आज सुबह किसी ने शायद ऐसा ना किया होगा, वो भी इन्वर्टर वाले जुगाड़ का यूज करके। और फिर से देख लो ये एकदम काम कर रही है, कितनी मस्त। भाई रात की लंबी ड्राइविंग के बाद मेरे को मैगी खाने का मन किया। 11 बजे हुए रात के और उस टाइम पे कोई दुकान नहीं खुली होगी, कोई ढाबा भी नहीं खुला होगा, लेकिन मैगी खाना है तो खाना है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, मेरे पास जुगाड़ है। गाड़ी को लगाते हैं साइड में और बनाते हैं मैगी कार के अंदर ही। तो भाई ये है मेरा जुगाड़ गर्म पानी करने के लिए, इसे मैं लगाऊंगा कार के 12 वोल्ट सॉकेट में यहाँ पे। ओए भाई गर्म होना स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग पानी को, ओहो आवाज़ सुनो ये देखो धुआं देखो ये देखो, अब हम ऐसे पानी को गर्म करेंगे, ठीक है भाई। बहुत मज़ा आया, अब क्या क्या आगे। भाई काफ़ी लंबी ड्राइविंग कर ली आज मैंने और यहाँ पे मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ। और इस वाली स्क्रीन में एक ये है कि मैं इसमें कुछ प्ले नहीं कर सकता, कोई वीडियो प्ले नहीं कर सकता, और अगर प्ले करूँगा भी तो इतनी बड़ी स्क्रीन में क्या ही मज़ा आएगा। तो क्या करें, कार में बड़ी स्क्रीन लगाया जाए, ठीक है लगाते हैं, बड़ी नहीं बहुत बड़ी स्क्रीन कार में। पहले कार को रखते किनारे साइड में, भाई ये है प्लग, किसका प्लग, पूरे टीवी का प्लग। जी हाँ, अब मैं कार में प्ले करने वाला हूँ टीवी, क्योंकि यहाँ पे मेरे बगल में रखा हुआ है। और ये हो गया ऑन, ये हमारा टीवी ऑन हो गया कार के अंदर। कहाँ इतनी बड़ी डिस्प्ले और कहाँ इतना बड़ा टीवी, जो कि हम लोग कार में लेके घूम रहे हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। और ये ओ भाई, हम लोग हैं कार के अंदर। ऑफर क्लोजेस सून। तो इस तरीके से हम लोगों ने टीवी को भी चला लिया कार के अंदर। आप लोगों को 32 इंच का रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट किया था मोबाइल फोन से, काफी जुगाड़ लगाना पड़ा और एक सच में काफी कम माल किसी से। मजा आ रहा, टीवी भी देख सकते हैं हम लोग कार के अंदर। तो यहाँ पे अब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो थोड़ा और भी खास है। बाय चांस हमें किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कार नहीं ले जा सकते, वहाँ पे या तो सिर्फ स्कूटी जा सकती है या फिर बाइक जा सकती है। जैसे कि हम लोग जंगल पे गए या फिर बाय चांस किसी गांव में गए जहाँ पे बिजली वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं एक बैटरी पैक। और बात करें भाई, आजकल जो बैटरीज आती हैं दो टाइप्स की आती हैं, एक लिथियम आयन जो नई आई है और एक लेड एसिड बैटरी जो कि हमेशा से आ रही है। अगर बात करें 40 एज की लेड एसिड बैटरी की, तो भाई उसका वजन कुछ नहीं तो 25 से 30 किलो और साइज इतना बड़ा तो होगा ही। लेकिन भाई यहाँ पे हमारे पास एक 40 एज की लिथियम आयन बैटरी पैक, इसका वजन है सिर्फ और सिर्फ 5 किलो के आसपास। मैंने इसका फुल डिटेल वीडियो बनाया है अपने दूसरे चैनल V4 वीडियोस में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि जो कार इन्वर्टर यहाँ पे मेरे पास है वो कार में तो चल जाता है, लेड एसिड बैटरी इसके साथ चल जाता है, लेकिन क्या लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर भाई लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ ही काम कर गया तो सच में हम लोग कम से कम वजन में, कम से कम साइज में ज्यादा से ज्यादा पावर अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिथियम आयन बैटरी पैक है वो भाई लूम सोलर की तरफ से है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। तो भाई इस कार इन्वर्टर को लिथियम आयन बैटरी पैक से कनेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा जुगाड़ लगाना होगा। इसके लिए मैंने ये चीज जुगाड़ से बनाया है, ये जो सॉकेट है आपको कार स्पेयर पार्ट की शॉप में मिल जाएगा। इसे मैं यहाँ पे हल्का हल्का कनेक्ट कर देता हूँ। तो फाइनली कार इन्वर्टर जा रहा है लिथियम आयन बैटरी पैक में कनेक्ट।
ओ भाई ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज सो रहे हैं 13.3, ये ऑफ ये ऑन, बहुत सही। इसका फैन भी ऑन हो गया है। अब हम लोग इसमें चीज़ें कनेक्ट करके देखते हैं। मोबाइल चार्ज देखो हो रहा है, बहुत सही मोबाइल चार्ज हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन भाई तो बहुत नॉर्मल सा काम था, इसके लिए काम का लेवल बढ़ाते हैं। तो अब अगर हमें जलाना हो लाइट, यहाँ पे ये हमारा सॉफ्ट बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर 4 CFL लगे हैं 40 वाट के, देखते हैं। लिथियम आयन बैटरी पैक प्लस हमारा इन्वर्टर, और ये जलेगा नहीं। ओ बहुत सही, यहाँ पे ये जल चुका है, मैं आपको दिखा दूँ। इसके अंदर 4 CFL लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लाइट भी बिना किसी दिक्कत के जला पा रहे हैं लिथियम आयन बैटरी पैक की मदद से, और हमारा इन्वर्टर तो मदद कर ही रहा है। भाई लाइट तो जला लिया, हवा भी चेक कर लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी पैक और हमारा इन्वर्टर और ये पंखा, ओह बहुत सही, पंखा फुल स्पीड में चल रहा है। हाय 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 हाय, 0 फुल, वापस से लाइट लगाते हैं, लो दोनों चीज चल रही हैं। और इसे हम लोग साथ में कैरी भी करके ले जा सकते हैं, बहुत सही। तो भाई अब हम लोग वो चीज ट्राई करने वाले हैं जिसको ना इस इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी सोचा होगा, ना बैटरी बनाने वाली कंपनी सोचा होगा। फिर से अब हम लोग मिक्सी चलाने वाले हैं लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ इस इन्वर्टर का यूज करके, उज्जा भाई, और बनाने वाले हैं तरबूज का जूस। भाई बनेगा या नहीं बनेगा लिथियम आयन बैटरी पैक, तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और भाई ओ माय गॉड, एक झटके में बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे तरबूज का जूस बन गया। वह इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस कार इन्वर्टर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कार में तो चला ही सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि हम लोग एक लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ भी चला पा रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें। सच में ये जुगाड़ कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। मैं सभी की चीज़ों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनको जो ले सकते हैं। वीडियो पसंद आने भाई लाइक करो, फटाक से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले। और हाँ, इंस्टाग्राम में हमारे 10K फॉलोअर्स होने वाले हैं, जल्दी से आके फॉलो करो, यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी जल्दी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो पर इतना ही, टाटा बाय बाय। भाई दो फास्ट चार्जर नहीं घुसते हैं इसमें, एक से काम चलाना पड़ेगा।